यहाँ से आप लोग देखेंगे नीचे से मेरी पतंग ऊपर से अपोनेंट आ रखा है। अभी वाला पेज देखो, हम पूरा डिजाइन डाल के काटेंगे, पूरी खड़े करके दिए पतंग, पहले बाहर की दिखाई, फिर रोकी, फिर अंदर का खड़ा खींचा और वो देखो वो कर रहा है अपोनेंट। एक और पेज चलता हुआ, यहाँ पे एक बंदे ने पतंग लपेट ली, इसी की पतंग काटते सीधी खींची, अब मेरी ही कट गई यार, उसकी पतंग काटने गए थे। एक और पेज नीचे से हमारी पतंग गई, ऊपर से अपोनेंट खड़ा खींचा 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 और वो आराम से काट दिया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइडर ऑफिशियल। अगर आप हमारी वीडियो रोज़ देखते तो आपको पता ही होगा कि परसों हमने ये पतंग लूटी थी, मतलब हमारे सामने जो छत है ना उधर ही फंस गई थी। तो आज इसी पतंग को पार करेंगे, मांझा ये रहा निंजा 3rd degree टॉर्चर, तो इसी मांझे से पार करते हैं और लड़ा के दिखाते हैं आपको। बड़ा सा मुड्डा पतंग एक नंबर की है, और उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि जो ये बड़े मुड्डे वाली पतंग होती है ना, काफ़ी शानदार लगती है दिखने में भी। और हवा आप लोग चेक कर सकते हैं, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ऐसी पतंग पारों की जाएगी तो आपको हवा पता चल जाएगा। ये देखो यार, मतलब बहुत तेज़ हवा है जैसा कि हम कह सकते हैं, देखा आपने, हवा काफ़ी तेज़ है। तो लड़ाते हैं पतंग, फिर आपको काट के दिखाते हैं। अब ये रहा आज का पहला पेज, नीचे से हमारी पतंग रही मुड्डेदार रेड सर्कल के अंदर, ऊपर से अपोनेंट रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से उसने रखी है, हमने पतंग बचाई, डोर छोड़ी। और भाई डोर छोड़ने में ही उसकी जो डोर थी वो हमारी डोर में टच हो गई, और पहला पेज तो हमारे यार ये कट गया बहुत गंदा। कोई नहीं, यहाँ पर हमने एक और पतंग पार कर लिया, तो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। तो देखते हैं वाला पेज हम कैसे काटेंगे। ये बंदा एकदम मेरे सर के पीछे से उड़ा रहा है, खड़ी करके दिए, वो बाहर के लिए कर रहा है, हमने खड़ी करके दी, अंदर का खड़ा खींचा और वो कटी उसकी पतंग। तो इधर यार हमने उसके दिमाग के साथ खेल लिया, पूरी हमने पतंग खड़ी कर दी थी, और मांझा जो था ना वो एकदम मेरे हाथ में आ गया है। मैं मांझा आपको दिखाता हूँ, तो मांझा आप देख सकते हैं, ये देखो एकदम मेरे हाथ के पास मांझा चल रहा है। तो एक पेज काट दिया, और एक और पतंग हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड में आ गई, उसकी काटते हैं दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक और पेज आ गया रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा राइट हैंड साइड से। पतंग खड़ी करके दी है, उसने गद्दा मारा, हमने पतंग रोकी और उसने भी रोकी है, लेकिन कट गई उसकी पतंग एकदम खड़ी डोर पे उसने गद्दा मारा। और मैंने आपको कई बार बताया, खड़ी डोर पे अगर आप गद्दा मारोगे तो 90% चांस होंगे कि आपकी ही पतंग कटेगी, और वैसे ही हमारे अपोनेंट के साथ भी हुआ। तो दो पतंगें काट दी इससे, अभी वेट करते हैं और कोई लड़ाने लाता है, दिखाते हैं काट के। अब यार सामने मेरी पतंग रही और एक बंदा ना यहाँ पे पतंग लपेट के ले जा रहा है, तो इन दोनों की पतंग एक साथ काटते हैं सीधी खींची, ओ भाई मेरी कट गई यार। तो जो मेरी पतंग थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ गई, और मेरी पतंग कन्नों के पास से ही कट गई। तो कभी कभी आप दूसरों की पतंग काटने जाओ, आपकी कट जाती है। और जिस बंदे की हम काट रहे थे, ये देखो ये लपेट के ले गया दोनों पतंगे, मुड्डेदार वाली और ये गिलहरा। टूट जाओ यार, अभी भी टूट जाए तो शायद हमें पतंग मिल जाए, क्योंकि एकदम हमारे सर के ऊपर ये इसकी पतंग टूट, अब ले गया घर के पास। तो ये तो चले गई ये पतंग, अब यार कल काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी और हवा ना शाम को बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, फिर जो हमारी पतंग कटी है उसके हमने पतंग उड़ाई नहीं है। तो आज है दूसरा दिन, हवा आज भी तेज़ है, क्योंकि रोज़ ऐसी ही हवा चल रही है आजकल बरेली में, तूफान जिसे कहते हैं। दूसरे दिन में दूसरी पतंग उड़ाते हैं ये वाली भी। और आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ यार, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करने की। पर कमेंट कर देना कि काइट शॉप के ऊपर चाहिए या फिर ग्राउंड काइट लूटिंग, काइट फाइटिंग, जिस टॉपिक के ऊपर ही चाहिए कमेंट जरूर कर देना, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हमारी पतंग पार हो चुकी है, तो लड़ा के दिखाते हैं अली पतंग।
अब यहाँ पे आ गया हमारा पहला पेज, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग थी सामने, और जो हमारा अपोनेंट है उसकी पतंग आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख जाएगी। बंदा हमारे लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, डोर मिलाई अंदर का खींचा उसने, बस हमने भी सीधा खींच के डोर फेंकी और आराम से वाला पेज काट दिया। तो एक पतंग इससे काट दी, एक और बंदा आ गया है वो बचा ली उसने पतंग अपनी। तो इस वाली पतंग से एक पतंग पूरी कर ली है। अभी वाला पेज है थोड़ा सा लंबा निकल गया, तो रेड सर्कल अंदर मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रहा है ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से और उसकी पतंग भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मज़ा आएगा वाला पेज लड़ाने में। अच्छी खासी रेंज में ये पेज चल रहा है। पूरी जगह बना रखी हमने, उसने गद्दा रखा, फिर वेट करा, हमने वेट करा बाहर की खींची, लेकिन लेट हो गए। तो यहाँ पे यार डोर काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल गई, और जब तक मैं बाहर की खींचता हमारी अली पतंग कट गई। एक और पतंग पार कर ली रेड सर्कल मेरी पतंग नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा राइट हैंड साइड से नीचे से गया, सीधी खींची अंदर से दिखा रहा, ये डोर छोड़ी और एक और पेज काटा। देखो जब हवा तेज़ होती है ना, तो अगर कोई बंदा अंदर की दिखा तो आप आराम से डोर छोड़ दो, आप पेज काट दोगे। लेकिन अगर हवा हल्की है डोर छोड़ोगे तो कभी कभार आपकी पतंग कट जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखा करो कि किस टाइम पे डोर छोड़नी है, हवा कैसी चल रही है आपकी तरफ। एक और पेज रेड सर्कल मेरी पतंग ऊपर से नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, राइट हैंड साइड से है बंदा ही। सामने घर पर बन गए हैं, तो यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा है। अब कल चलेंगे अपनी पुरानी छत में, वहाँ से काइट फाइटिंग करके दिखाएंगे। गद्दा मारा हमने करारा वाला और वो काटी पतंग। तो शायद आपको पतंग नहीं दिखी होगी, लेकिन हमने वाला पेज काट दिया। हमने काफ़ी करारा गद्दा मारा था और अपोनेंट पट मार रहा था, लेकिन हमने उसका झोली काट दिया। तो दो पतंगें पूरी कर ली इस वाली पतंग से। एक और पेज भाई, सामने से बहुत पतंगें उड़ रही हैं आज। तो रेड साइड से मेरी पतंग ऊपर से नीचे से हमारा अपोनेंट रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है वाला बंदा। थोड़े से घर हैं आगे तो परेशानी हो रही है। सीधी खींची उसने बाहर का रखा हमने गद्दा। ओ भाई ये कैसे कट गई यार, नहीं कटी थी, डोर छोड़ी थी यहाँ पे मैंने, फिर बचा ली पतंग। यहाँ पे मैंने डोर छोड़ी थी, आप लोग को लगा हुआ मेरी पतंग कट गई और पेज वाला नहीं हो पाया, क्योंकि जो अपोनेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा पतंग अपनी खड़ी कर ली थी। तो यहाँ पे पेज हुआ नहीं है, दोबारा फिरते पेज दिखाते हैं। हाँ ये नहीं सोचा यार मैंने, है ना।